ये स्टेडियम भाई अपना बाल राजपूतान का स्टेडियम है जहाँ पर टूर्नामेंट होगी। ये चार दीवारी हो चुकी है। देखो भाई, यो आज मैं बिल्कुल यहाँ गांव में आया हुआ था, स्टेडियम का निरीक्षण कर रहा था भाई क्या क्या कमियाँ हैं। और बिल्कुल 6 किलो का स्टेडियम छुटा हुआ है मेरे गांव में। हमारे पूर्व सरपंच जसपाल जी भी यहाँ निरीक्षण के लिए बैठे हैं, साथ में ही हमारे उप प्रधान हैं इस कमेटी में। ये टूर्नामेंट के इन्होंने ही हमारे को बताया था भी ऐसे ऐसे करो, लेकिन देखो बहुत अच्छा स्टेडियम है जी। बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जाती है देखो 6 किलो का ग्राउंड है। आज से ही तैयारियाँ हो गई है, निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा स्टेडियम यहाँ पर, काफ़ी हमने यहाँ सफाई का भी पूरा विशेष प्रबंध कर दिया है। तो संदीप भाई आप भी देख लो, ग्राउंड देखो कितना अच्छा ग्राउंड है, समतल ग्राउंड है बिल्कुल। ये देखो जी बिल्कुल अच्छा। मैं अब आपको मैं पिच दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बैटिंग के लिए बिल्कुल हमने पिच भी तैयार करने जा रहे हैं। ये मेरे गांव के लड़के यहाँ पर टेनिस की गेंद से, ये पक्की पिच है, लेकिन हम इस पे आपको नहीं खिला सकते क्योंकि चोट लगने का बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ये पिच हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ये बिल्कुल इसके सारा पिच है, ये देखो यहाँ बिल्कुल पिच तैयार करने जा रहे हैं। तो पिच आजकल में तैयार हो जाएगी। बिल्कुल मेरे गांव का बहुत ही अच्छा स्टेडियम यहाँ सरपंच साहब ने, 6 किलो का स्टेडियम है ये, जहाँ जहाँ तक खाली है। ये देखो जहाँ जहाँ तक खाली है सारी, बिल्कुल ये सारा स्टेडियम है। और अभी हमारी कमेटी की मीटिंग चलेगी, 5 बजे मैंने मीटिंग बुलाई, इसी स्टेडियम में मीटिंग होगी और निरीक्षण भी होगा। ये स्टेडियम बता दूं आपको, जो भाई आना आवेंगे उनके लिए स्टेडियम में, ये पक्खाखेड़ा वाला रोड बोलते हैं, पक्खाखेड़ा से बाढ़ पवाने वाला रोड है। और उधर से जो उलाना खुर्द के या जो भी भाई उधर उलाना झुंझन टिटाने के कुछ लोग उधर से भी खिलाड़ी आएंगे, वो मुनक से बड़े से होते हुए उधर से पड़ेगा, ये पाडा रोड पे है, उसी रोड पे है। बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेडियम है भाइयों। आज मैंने पूरा सारा दिन यहाँ लगा दिया स्टेडियम में निरीक्षण करने के लिए।